नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। सचिवालय में रोजगार सृजन से संबंधित बैठक, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की कार्य योजना की समीक्षा, पेयजल, लोक निर्माण, श्रम विभागों की समीक्षा। उत्तराखंड में 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। पहाड़ी रास्तों पर 17 किलोमीटर पैदल चलकर सीमांत गांव में समस्या सुनने पहुंचे डीएम, जज्बे को पूरा उत्तराखंड कर रहा सलाम। रानीखेत मुख्य सड़क पर गड्ढों से भरी परेशानी, आवागमन में लोगों को हो रही दिक्कतें, बरसात में सड़कों पर भर जाता है पानी। उत्तराखंड में फिर बेकाबू हुआ कोरोना, पिछले 24 घंटे में वायरस की चपेट में आए 1391 नए लोग, 9 की मौत। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन ने बढ़ाई परेशानी, बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से कर्णप्रयाग के पास आवाजाही बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सचिवालय में रोजगार सृजन से संबंधित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने एमएसएमई, ग्राम्य विकास, ऊर्जा, पर्यटन, कैंप और पेयजल, लोक निर्माण, श्रम आदि विभागों की कार्य योजना की समीक्षा की और क्या कुछ निर्देश दिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। सचिवालय में रोजगार सृजन से संबंधित बैठक, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की कार्य योजना की समीक्षा। एमएसएमई, ग्राम विकास, ऊर्जा, पर्यटन, कैंपा, पेयजल, लोक निर्माण, श्रम विभागों की समीक्षा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, रोजगार के अवसरों का सृजन सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण, विभागीय दिशा में लक्ष्य निर्धारित कर काम करें, स्वरोजगार के युवाओं को बैंकों से ऋण में ना हो परेशानी, विभाग रोजगार सृजन के संबंध में कार्य योजना बनाए, रोजगार एवं स्वरोजगार की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश, रोजगार सृजन के लिए विभाग लक्ष्य निर्धारित करें, शिकायतों के निस्तारण को एक क्विक एक्शन टीम गठन के निर्देश, अधिकारियों से रोजगार सृजन के संबंध में सुझाव भी किए प्राप्त, कैंपा के माध्यम से अधिक रोजगार सृजन, कैंपा के तहत सृजित किए जाएंगे लगभग 40,000 रोजगार, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार करने के भी निर्देश। हर 2 माह में कैंपा गवर्निंग बॉडी की बैठक हो आयोजित, ग्रोथ सेंटर बनेंगे स्वरोजगार के आधार, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के निर्देश, स्वरोजगार में जल जीवन मिशन को जोड़ा जाए, एवं बागवानी के विकास में भी मिलेगी मदद, 100% साक्षरता के लिए भी बनाई जाए कार्य योजना, टिच वन की व्यवस्था पर भी देना होगा ध्यान। और बछड़ासु पट्टी को जोड़ने वाला खेड़ा खाल, डूंगरी पथ, मोटर मार्ग कर घटिया कार्य चलने से ग्रामीणों में आक्रोश। आलम यह है कि मार्ग पर लगाए जा रहे पुश्तो और स्क्रबर में रेत बजरी की जगह मिट्टी का प्रयोग हो रहा है, जबकि सड़क का चौड़ीकरण भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। मार्ग पर किए जा रहे कार्यों में कोई गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दो साल में 2 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं। खेड़ा खाल डुंगरी पंथ मोटर मार्ग पर किया जा रहा घटिया कार्य। इस कबर पुश्ते के निर्माण में किया जा रहा मिट्टी का प्रयोग। डंपिंग जोन के बजाय ग्रामीणों के खेतों में डाली जा रही मिट्टी। बाहरी राज्यों से गांव लौटे प्रवासियों ने जताया आक्रोश। बछड़सु पट्टी को जोड़ने वाला खेड़ा खाल डुगरी पंथ मोटर मार्ग पर घटिया कार्य चलने से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। आलम यह है
कि मार्ग पर लगाए जा रहे पुश्तों और स्क्रबर में रेत बजरी की जगह मिट्टी का प्रयोग हो रहा है, जबकि सड़क का चौड़ीकरण भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा। मार्ग पर किए जा रहे कार्यों में कोई गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और मोटर मार्ग की मिट्टी डंपिंग जोन में डालने के बजाय सीधे ग्रामीणों के खेतों में डाली जा रही है। कोरोना महामारी के चलते घर लौटे प्रवासियों ने निर्माण कार्य को देखकर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में हो रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है, मगर ग्रामीण इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों में धांधली की जा रही है। इससे अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत साफ झलक रही है। बता दें कि खेड़ा खाल डुंगरी पंत मोटर मार्ग का 2 किलोमीटर का हिस्सा रुद्रप्रयाग जनपद में आता है, जबकि बाकी का हिस्सा पौड़ी में है। यह 2 किलोमीटर का हिस्सा कई वर्षों से विभागीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण उबड़ खाबड़ था। यहां पर सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं था। ग्रामीणों की मांग पर लोक निर्माण विभाग डिवीजन श्रीनगर ने 2 किलोमीटर हिस्से के सुधारीकरण को लेकर टेंडर निकाले और निर्माण कार्य शुरू करवाया, मगर 2 साल बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। 2 साल में 2 किलोमीटर मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य पूरा न होना विभागीय ठेकेदारों की हकीकत को बयां कर रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार विभागीय अभियंताओं से की, मगर कोई कार्रवाई नहीं की। कोरोना महामारी के कारण विभिन्न राज्यों से अपने गांव लौटे प्रवासियों ने जब मोटर मार्ग का निर्माण कार्य देखा तो उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर सवालिया निशान उठाने शुरू कर दिए। प्रवासी ग्रामीणों ने कहा कि सरकार की योजनाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। विभागीय अभियंताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत से निर्माण कार्य में गुणवत्ता का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो बहुत बुरे हाल है जी, इस तरह से आप कैसे प्लान रोकोगे? ये मिट्टी में जो है कि स्कवर बन रहे हैं, जिसमें कि रेता अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सीमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हमें बड़ा दुख होता है कि हम अपने हजारों रुपए खर्च करके जो है गांवों की तरफ आते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि चलो गाँव में रहो, प्लान को रोको, अपने खेती बाड़ी चालू करो। हम लोगों ने काफी कुछ गाँव में करने की कोशिश की है, कई भाई लोग हमारे लगे हुए हैं, लेकिन ये जो रोड है बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ पास हो रही है। अगर इनकी निर्माण सामग्री आप देखोगे तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल जीरो है। ठेकेदार और अधिकारी बिल्कुल खुला आम पैसे खा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन के नजरों के सामने खा रहे हों, चाहे जो भी सेटिंग हो। ये बड़ी बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति जिसको बोलते हैं। वहीं मोटर मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि यह ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी है। ये पूरी तरह से धोखाधड़ी है और जो भी इस काम को करा रहा है इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और न सिर्फ ठेकेदार बल्कि अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कल मैं इस डिवीज़न के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करूंगा और उनसे कहूंगा कि इस ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करें, अन्यथा जो है विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की जांच को लेकर SDM की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। इसमें 2 तकनीकी एजेंसी के अधिकारियों को रखा गया है। कमेटी की ओर से मोटर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों की जांच की जाएगी और 1 सप्ताह के भीतर आख्या प्रस्तुत की जाएगी। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। रानीखेत में मुख्य सड़क में विजय चौक के पास, जहां से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती है, वहां जगह जगह सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। यही नहीं, पूरे रानीखेत क्षेत्र की सड़कों का यही हाल है। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क ही नहीं नजर आती है। मुख्य सड़कों पर गड्ढों की भरमार, बदहाल सड़क से हो रही परेशानी। रानीखेत क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर, आए दिन होते रहते हैं सड़क हादसे, जगह जगह सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे। तमाम
कोशिशों के बाद भी मोटर मार्ग की दशा नहीं सुधर सकी है, जबकि मोटर मार्ग को बने एक दशक से अधिक का समय बीत चुका है। ग्रामीण डामरीकरण की राह तक रहे हैं, लेकिन शासन की ओर से डामरीकरण के प्रस्ताव को ही मंजूरी नहीं मिल रही है। बरसात में सड़क के हालात और खराब हो गए हैं, इस कारण वाहन चालक इस सड़क पर वाहन चलाने से भी डर रहे हैं। बता दे, रानीखेत में मुख्य सड़क में विजय चौक के पास जहां से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, वहां जगह जगह सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यही नहीं, पूरी रानीखेत क्षेत्र में सड़कों का यही हाल है। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क नहीं दिखाई देती। कई बार इन सड़कों पर दो पहिया वाहन चालक चोटिल भी हो गए हैं। कुछ महीने पहले रानीखेत के तल्ला बिसवा गांव के पास भारी बारिश के चलते सड़क के नीचे का काजवे बह गया था। ये पहले से हम हमेशा देखते आए हैं, कांग्रेस आती है, गड्ढे भरती है, सड़कें बनाती है, नई सड़कें बनाती है, जनता फिर 5 साल के लिए बीजेपी को ले आती है और 5 साल में बीजेपी ये हाल कर देती है कि सड़कें दिखती नहीं है, गड्ढे गड्ढे दिखते हैं। आप इस समय भी देख रहे होंगे, शायद ही कोई सड़क ऐसी है जो बिना गड्ढों के है। लगभग पूरे उत्तराखंड की सारी सड़कें टूट फूट चुकी हैं, लेकिन बजट के नाम पर ठेंगा दिखा दे रही है गवर्नमेंट। यहाँ तक कि एक आपने ही एक न्यूज़ बहुत अच्छी चलाई थी, मैं देख रहा था कि सड़क के नीचे कॉजवे पूरा बह गया, ऊपर से केवल स्लैब बचा हुआ है। बहुत बड़ा खतरा है, लोगों की जान को उससे खतरा है, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा और सरकार तो मदमस्त है। 57 की संख्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं उनको। उनको ये लग रहा है कि जैसे पिछली बार पब्लिक ने उनका साथ दिया, अभी भी वैसे ही होगा। और ऊपर खाली स्लैब बचा था, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन या संबंधित विभाग ने अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब इन मोटर मार्ग की मरम्मत होती है। रानीखेत से गी न्यूज के लिए गोपाल विष्ट की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है, लेकिन कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार अमेरिका से कई गुना ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमण की डरावनी रफ्तार, पिछले 11 दिनों में देश में बढ़े 10 लाख केस, 2 महीने में देश में 40 लाख से ज्यादा मरीज, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है भारत। अमेरिका के बाद भारत सबसे प्रभावित देश। देश में कोविड-19 के केस 50 लाख के पार। कोरोना से अब तक 82,000 लोगों की मौत। भारत में कोरोना की रफ्तार हर रोज अब रिकॉर्ड बना रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 50 लाख के पार पहुंच गई। कोविड-19 की तेजी के संक्रमण का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आखिर 10 लाख केस महज 11 दिनों में आए हैं और 2 महीने के भीतर 40 लाख केस बढ़े हैं। एक्टिव केसों की संख्या 10 लाख के पार पहुँच चुकी है। इस जानलेवा बीमारी ने अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। अगर देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की बात करें तो पिछले 2 महीने काफी डरावने रहे हैं। देश में 1 से 10 लाख केस 167 दिनों में हुए थे, जबकि 10 से 20 लाख केस महज 21 दिनों में पहुंच गए, 20 से 30 लाख केस 16 दिन में, 30 से 40 लाख केस 13 दिन में और 40 से 50 लाख केस 11 दिन में पहुंच गए हैं। भारत कोरोना केस के मामले में दूसरे नंबर पर है, अमेरिका पहले और ब्राजील तीसरे नंबर पर है। कोरोना महामारी ने देश को हिलाकर रख दिया है। हर रोज नए मरीजों की बड़ी संख्या सामने आ रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत में संक्रमितों के ठीक होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में आप कोरोना के कितने मरीज बढ़े हैं। उत्तराखंड में फिर बेकाबू कोरोना हुआ है। उत्तराखंड में कोविड-19 के 1,391 नए मामले सामने आए। कोरोना के 1,391 नए मरीज बढ़े हैं, जिनमें 9 की मौत हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 438 हो गया है।
राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 34,407 जा पहुंचा। मंगलवार को 1,008 लोगों ने कोरोना को मात दी। उत्तराखंड में अभी तक 23,085 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। नए मरीज मिलने के साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 10,739। उत्तराखंड में मरीजों की रिकवरी रेट 67.09% है। देहरादून में 421 हैं, हरिद्वार में 219 हैं। नैनीताल में 226 हैं, पौड़ी गढ़वाल में 38 हैं। पिथौरागढ़ में 30 हैं, रुद्रप्रयाग में 27 हैं। चमोली में 7, चंपावत में 3। गढ़वाल में 31, उधम सिंह नगर में 318। उत्तरकाशी में 51 नए मामले सामने आए हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। खुद को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आगामी 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस संबंध में मंगलवार को विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर कह दिया है। कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद इस बारे में सरकार फैसला लेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, लिहाजा वर्तमान हालत को देखते हुए 21 सितंबर से स्कूल खोलने के आदेश को वापस लेते हुए अग्रिम आदेश तक स्कूल ना खोलने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मैं अवगत करना चाहता हूँ कि बच्चे उत्तराखंड में और पूरे देश के अंदर टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है और कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या भी ज्यादा बढ़ रही है। इस हालात को देखते हुए जो स्कूल खोलने का निर्णय है कि 21 सितंबर से बच्चे अपनी स्वेच्छा से अपनी जिज्ञासा को समाधान के लिए जो स्कूलों में जाने का निर्णय ऐसा हमको प्राप्त हुआ है, जो स्कूल खुलने का है मैं इसको अभी वापस लेता हूं और संबंधित अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि
कि जब तक माहौल समान नहीं होता तब तक हम स्कूल खोलने की स्थिति में अभी नहीं है। इसलिए 21 सितंबर से अपनी जिज्ञासा को समाधान के लिए जो स्कूल जाने का निर्णय है अभी उसको वापस लिया जाता है और कोई इस प्रकार का अभी आदेश नहीं है जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती। और खबर डोईवाला से, जहां ब्लॉक के मारखंड ग्रांट के पूर्व प्रधान और भाजपा के वरिष्ठ नेता परमिंदर सिंह बाबू को भाजपा की त्रिवेंद्र रावत सरकार अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाए जाने पर क्षेत्र में सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र के लोगों के साथ भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा संगठन का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर वन विकास निगम के नवनियुक्त सदस्य संजीव सैनी के साथ वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह बोरा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। भाजपा कार्यकर्ता परमिंदर सिंह बाबू को अहम दायित्व के साथ अल्पसंख्यक आयोग के सम्मान बढ़ा। जी से निवेदन है कि आप ही आए और संजीव सैनी जी का माल्यार्पण। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस पद से नवाजा, और हमारी जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है क्योंकि जिस आशय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड में पद दिया है सदस्य का, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है और जो भी विकास के कार्य होंगे हम और बढ़ चढ़कर इस कार्य को करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और नगर की पटरी से उतरी यातायात व्यवस्था को ठीक करने को लेकर SDM अभय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में तहसील कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें पुलिस, व्यापार संघ, नगर पंचायत, टैक्सी यूनियन के लोग भी मौजूद रहे। SDM ने बैठक में अन्यत्र टैक्सी खड़े होने और वर्कशॉप मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। वहीं बाजारों में बनी मास्क और सामाजिक दूरी के बिना घूमने वाले लोगों का पर भी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एक्चुअली क्या करते सर, टीका पिका वाले भी खड़े करते। और खबर रुद्रप्रयाग से, जहां केदारनाथ आपदा में लापता लोगों के नर कंकालों की खोजबीन शुरू हो गई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह बुलर ने सोनप्रयाग में 10 टीमों को ब्रीफ करने के बाद रवाना किया। आपको बता दें कि SP केदारनाथ में रहकर टीमों के दिशा निर्देश देंगे और हर टीम का नेतृत्व एक उप निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है, जबकि टीम में 2 आरक्षी जनपद पुलिस और 2 आरक्षी SDRF और 1 फार्मासिस्ट तैनात किए गए हैं। बता दें कि 16-17 जून को केदारनाथ आपदा में हजारों लोग लापता हो गए थे, जिनके शवों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। 4 आपदा में मारे गए लोगों के नर कंकालों की खोज शुरू की गई है। इसमें 2013 की आपदा के बाद में जो सर्च टीम बनाई गई है इस वर्ष के लिए, वो टोटल 10 हैं ये सर्च टीम, और इसमें हर एक प्रत्येक टीम में 1 उपनिरीक्षक, 2 कांस्टेबल SDRF के, 1 कांस्टेबल जनपद पुलिस का, ये 4 लोग की टीम होगी। इसके साथ इन कुछ टीमों में हमने गाइड, लोकल गाइड और पोर्टर भी अवेलेबल कराए हैं। ये टीम अलग अलग 10 रूटों पर जाएगी, सर्च करेगी वहाँ पर, और इनके पास वीडियो कैमरेज होंगे। बेरीनाग क्षेत्र में एक बार फिर कोरोना बम फूटा है। बिहारी मजदूर, व्यापारी, शिक्षक सहित 12 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटी ने बताया कि पॉजिटिव आए 12 लोगों को कोरोना केयर सेंटर पिथौरागढ़ भेजा जा रहा है। इनके संपर्क में आए लोगों का भी सैंपल लेने के साथ क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं SDM अभय प्रताप सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो बिना कार्य घरों से बाहर नहीं निकले, लगातार मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बता दें कि पिछले 2 सप्ताह के अंदर बेरीनाग क्षेत्र में 35 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। क्षेत्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। कोरोना मरीज मिलने से पिछले 3 दिनों से CSC भी सील है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।